रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये मैं रसमलाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कटोरी दूध ले लिया सूखा, और एक कटोरी चीनी है, और एक चम्मच के करीब मैदा है, और ये बेकिंग पाउडर है, ये भी एक चम्मच जाएगा, और ये बादाम पिस्ता, और ये नारियल है सूखा, और ये एक अंडा है एक अदद। ये अंडे को तोड़ के मैं फेंट लूंगी अच्छी तरह, और ये जो दूध है इसका भी मैं बाद में बताती हूँ आप लोगों को। ये अंडा मैं फेंट रही हूँ, जितना अच्छा अंडा फेंटा होगा उतनी अच्छी रसमलाई बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी रसमलाई बन के तैयार होगी। अंडा मैंने फेंट लिया है, अब मैं इसमें ये बाउल जो है इसमें दूध शामिल कर दूंगी। और ये एक चम्मच के करीब मैदा इसमें ऐड करूंगी, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो है वो इसमें शामिल करूंगी एक चम्मच के करीब। और दो चम्मच ऑयल इसमें डालूंगी, दो चम्मच भर के ऑयल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूंगी। ये देखें, ये मैंने दूध और मैदा और बेकिंग सोडा और जो है कुकिंग ऑयल इसमें डाल के मिक्स कर लिया। अब इसमें एक अंडा शामिल कर दूंगी, इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ये मैंने रसमलाई का डो तैयार कर ली है, अब मैं दूध जो लिया हुआ है वो गर्म कर लूंगी रसमलाई के लिए। ये 1.5 लीटर दूध मैंने ले लिया है और चूल्हे पे गर्म करने के लिए रख दिया। जितनी देर में रसमलाई के डो को रेस्ट मिलता है इतनी देर में दूध गर्म हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं वो जो है पिस्ता बादाम काट लूंगी। इस तरह पिस्ता जो है बारीक काट लेना है सारा, इसी तरह बारीक आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आप डालना चाहे। तो बादाम भी इसी तरह काट लेने हैं, ऐसे आपको पसंद हो आप काट सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट जो है मैंने तैयार कर ली है, अब ये जो चीनी है ये दूध में शामिल कर लूंगी। और अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। दूध मैंने फुल क्रीम लिया था, ताजा दूध जो होता है। चीनी मिक्स करके तो मैं चेक कर लूंगी कि ठीक है या और चीनी डालनी पड़ेगी, मीठा इसका चेक करूंगी। हम लोग ज्यादा मीठा नहीं पसंद करते। जितनी देर में दूध गर्म होता है उतनी देर में मैं रसमलाई की गोलियां बना के तैयार कर लूंगी। दूध मैंने 1.5 लीटर लिया हुआ है और गर्म करने के लिए रख दिया है। इस तरह कुकिंग ऑयल लगा के हाथों को तो ये गोलियां सी तैयार कर लेनी है सारी। आप अपनी मर्जी के डिजाइन बना सकते हैं, जिस तरह चाहे मन कर लें, छोटे बड़े, मैं तो इस तरह बना रही हूँ क्योंकि ये दूध में जाके फूल जाती हैं तो बहुत बड़ी हो जाती हैं, इसलिए मैं छोटी बना रही हूँ।
और बहुत मजे की रसमलाई बन के तैयार होती है, बिल्कुल बाजार जैसी है। माशाल्लाह से सारी बन के तैयार हो गई है। तो मैं आपको बताना भूल गई थी कि इलायची जो है वो अभी मैंने शामिल नहीं की दूध में, तो ये 3 अदद इलायची मैंने ले ली है। ये इनका मुंह खोल के तो मैं दूध में शामिल कर दूंगी। दूध को अभी बॉयल आ रहे हैं, माशाल्लाह से गर्म हो गया दूध भी अच्छे से। अब मैं इसमें रस मलाई जो है ये शामिल करूंगी एक एक करके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सारी रस मलाई मैं इसमें डाल दूंगी। ये दो किस्म की मैंने बनाई है रस मलाई, कुछ लंबी कुछ छोटी कुछ गोल। माशाल्लाह से सारी रस मलाई जो है बन के तैयार हो गई है, तो ऊपर आ रही है जैसे जैसे मैं डाल रही हूं। अब आंच को मैं तेज कर दूंगी और चमचा चलाती रहूंगी। ये देखें रसमलाई की गोलियां जो हैं वो अच्छी तरह फूल गई हैं, तो इसी तरह चमचे को चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। और ये देखें कैसे फूल गई हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत अच्छी लग रही हैं दूध के अंदर। अब माशाल्लाह से हो गई हैं तैयार बन के, तो मैं दूध जो है गाढ़ा करने के लिए थोड़ा चूल्हा आस्ता कर दूंगी कि अच्छी तरह और जो है दूध गाढ़ा हो जाए। ये देखे माशाल्लाह से तैयार हो गई है, बिल्कुल फुल तैयार है। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी। बहुत क्रीमी और बहुत सॉफ्ट बनी है रस मलाई। ये डिश आउट कर दी है मैंने रस मलाई, अब मैं इस पे गार्निश कर लूंगी। ये बादाम और पिस्ते और जो है नारियल ये सारा इसके ऊपर लगा दूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी रसमलाई बन के तैयार हो गई है। आप देखें कितनी सॉफ्ट और नरम है, बिल्कुल बिल्कुल स्पंज की तरह है। आप भी अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।